जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है और बहुत आभार है। मुझे यकीन है कि बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपको आनंद में रखेंगे और आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम नौकरी करें या व्यापार करें, या हम अभी नौकरी कर रहे हैं तो हमें व्यापार करना चाहिए, या अभी व्यापार कर रहे हैं तो हमें नौकरी करना चाहिए। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, होना चाहता है और होना भी चाहिए। मेरी ये दुआ है कि सबको ईश्वर आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करें। तो आपको नौकरी या व्यापार में जो कन्फ्यूज़न है, मैं आपसे ये बात कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि नौकरी और व्यापार का जो आप एक चीज़ों में उलझे हुए हैं उसमें सही चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में दो चार शेयर कर दें। आप मुझे फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रोमचो सर्च करेंगे आसानी से मैं मिल जाऊंगा। अगर आप मुझसे फ़ोन पर कंसल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात आप कर सकते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि एक व्यक्ति छोटी नौकरी करता है, 10-15 हज़ार, कोई 20 हज़ार की करता है, बहुत से 25 हज़ार की करते होंगे या ज़्यादा भी हो सकती है। वो उससे ऊब जाते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि पंडित जी मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, आप सजेशन दें कि मैं कौन सा व्यापार करूँ। और बहुत से लोग व्यापारी कर रहे हैं, जो अच्छा एक व्यापार चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि वो उतना लाभ नहीं हो रहा है, बात तो वही जा रही है, इससे अच्छा तो मैं एक छोटी सी जॉब कर लूँ तो बहुत अच्छा होगा। ये दोनों चीज़ें होती हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो जॉब की ओर जाना चाहते हैं और जो जॉब कर रहे हैं वो व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये बात आपको एक यूनिक बात बता दूँ, जो डाटा आपको पता नहीं होता है कि जो जहाँ है वहाँ से असंतुष्ट जरूर है, चाहे व्यापारी हो या नौकरी करने वाला। बहुत कम लोग हैं, 10% ही लोग संतुष्ट हैं जो व्यापार में अपनी जगह पर संतुष्ट है और नौकरी में संतुष्ट है। लेकिन अगर आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं कतई रोक नहीं रहा हूँ, आप सफल होंगे, ये मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ। आप सफल भी होंगे, आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी, धन भी प्राप्त होगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची नहीं है वो भी आपको प्राप्त होगी। मैं ये बात आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सावधानियों में सबसे पहली सावधानी कि पूंजी जो है कर्ज करके व्यापार करना सही नहीं होगा। क्योंकि हम बहुत मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं कि व्यापार ऐसा करें, ये करें, बहादुर का साथ देते हैं और सब चीज़ें, और अंत में व्यक्ति जो है वो इन सब चीज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और अति आत्मविश्वास हो जाता है, और सिर्फ आपका जो चांसेस है 100 में से सिर्फ 5 लोग सफल होते हैं और 95 लोग बेचारे इस विषय को लेकर, लोन लेकर, कर्जा लेकर उल्टे व्यापार के चक्कर में फंस जाते हैं। तो मैं सच बात कहूँगा और कड़वी बात कहूँगा, और ये डरने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आपका हित चाहता हूँ, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, ना मेरी कोई लालसा है। तो कोई भी व्यापार करें, मैं नहीं कह रहा हूँ करें आप, लेकिन बेफिजूल का कर्ज लेकर ना करें। व्यापार को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाएं कछुए की चाल से, तो वो पहुँचेगा, न कि एकदम से शुरू करके लोगों के बहकाव में आके। पार्टनरशिप करें उसको लिखित दस्तावेज के रूप में करें, क्योंकि पार्टनरशिप बाद में धोखा ना हो, कितना कितना लगेगा, क्या लगेगा, पूरा एक लिखित दस्तावेज के रूप में पार्टनरशिप आप करें। चाहे थोड़ा सा खर्चा लगे लेकिन उसको लीगली करें, वो आपका भविष्य सुरक्षित है ना उसमें। और तीसरी और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो नौकरी की ओर जाना चाहते हैं, बेशक वो नौकरी की ओर जा सकते हैं, लेकिन अपने व्यापार का निपटारा सही तरीके से करें। अन्यथा व्यापारी दृष्टिकोण से उसका निपटारा नहीं हो पाना, वहाँ के चीज़ें फजीहतें और फिर नौकरी में आना, दोनों डिस्टर्बिंग है। तो इस विषय को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा जो मेरे एक वीडियो सर्च कर लेना, व्यापार के करने से पहले उपाय, वो उपाय को करें और व्यापार को शुरू आप कर दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में जितनी भी मैंने जानकारी दी है, ये आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय महाकाल।